हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अन अकेडमी के जस्ट सिक्स स्टैंडर्ड चैनल पर। गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए, अपने स्कूल फ्रेंड्स, ट्यूशन फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। आपको बच्चों मालूम है कि अनअकैडमी हमारा जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी कराई जाती है। जल्दी से आ जाइए बच्चों, फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए। जब तक आप आते हैं तब तक मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम पूजा बत्रा है, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बच्चों बीएड किया हुआ है। 17 इयर्स का हिंदी में एक्सपीरियंस है। मैं 17 साल से हिंदी पढ़ा रही हूँ और मैं यूपीएसएससी के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन की तैयारी कराती हूँ। मैं आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी की तैयारी कराती हूँ। आपको हिंदी के बेसिक से हिंदी व्याकरण की अच्छे से तैयारी कराऊंगी, लिटरेचर की। जल्दी से आप ऑनलाइन आ जाइए, अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए, तो वो भी ऑनलाइन आ जाएं। नमस्ते श्रीनिवास, और कैसे हो बेटा? आप कैसे हो बेटा? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, क्लास स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से वो भी आ जाएं। आपको बच्चों मालूम है अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है टॉप एजुकेटर्स, जिनसे आप अपने सारे विषयों की तैयारी आप अच्छे से करते हैं। आपके सारे आपके एग्जाम की जो तैयारी कराने में, आपके कंपटीशन क्रैक कराने में आपकी ये मदद करता है ना? तो यह का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये बच्चों। यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करते हैं, आपके क्लास सिक्स के सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी कराएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, लाइव क्विज होगी। जल्दी से आ जाइए, फिर हम पढ़ाना भी स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वह जस्ट सिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। जस्ट सिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मालूम है बच्चों कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यह आपको अपने आप को आपके गोल के गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। आपका जो भी एम है, आप जिस सब्जेक्ट में वीक हैं, कि आपकी प्रिपेयरिंग अच्छी से कराई जाएगी। जो जिस सब्जेक्ट में भी आप मैथ्स में, जिसमें मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, उसमें अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। उसके लिए आप क्या करिए, जल्दी से लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर के इसे डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पर नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, से जो भी हमारी स्पेशल क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। जल्दी आ जाइए सब बच्चे। आपको मालूम है कि यहाँ आपको प्लेटफॉर्म पे अगर सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, तो वो कितना बेनिफिशियल है बच्चों आपके लिए। यहाँ पर जो टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, आप उनका वीडियो कभी भी देख सकते हैं। आप कभी बिजी होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, आप क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो
तो उनके आप क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, उनका वीडियो देख सकते हैं, और वहां पर डाउट सेशन भी होता है, आप अपने डाउट्स भी बच्चों क्लियर कर सकते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होती है ना। ये देखिए आपको कितने कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, लाइव क्लासेस होंगी आपके लिए, डाउट क्लियर होंगे आपके, और आपका जो कोर्स है पर्टिकुलर आपके सब क्लास के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होती है। आपके क्लास सिक्स में जैसे हिंदी का जो भी सिलेबस है आपका, इंग्लिश का जो भी, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएगी। आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसकी तैयारी आपको कराई जाएगी, लाइव टेस्ट होंगे बच्चों, क्विज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका क्लास में कितने नंबर पे आप कितने परसेंट आपके आते हैं। जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए और भी बच्चे क्लास में आ जाएं। यहाँ पर देखिए ये टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको आपकी स्टडी के लिए हेल्प करते हैं, कुणाल किशोर सर, निकिता मैम, सृष्टि मैम, दीक्षा मैम, हुमेरा मैम, हिना मैम, ये वेल एजुकेटेड हैं। ये देखिए अच्छे से अपने एक्सपीरियंस से आपके एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं और आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करते हैं। जल्दी से अच्छी से तैयारी करने के लिए आप क्या करिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और देखिए आपके कॉम्प्रेंसिव सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए साइंस में यहाँ पर 6 कोर्सेज हैं बच्चों, मैथमेटिक्स में 4 कोर्सेज हैं, इंग्लिश में 3 कोर्सेज हैं, सोशल साइंस में आपके 3 कोर्सेज हैं। जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए कि आप अच्छे से क्लास में फर्स्ट सेकेंड आपकी रैंक आ पाए। और उससे पहले आप क्या करिए, अनअकैडमी अगर आपने लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जा करके इसे डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप टेलीग्राम ऐप पर भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए आप वहां पर आप टाइप लिंक टाइप कर लीजिए और वहां पर ज्वाइन मुझे कर सकते हैं आप, ठीक है, लिंक आपको दिया हुआ है ये। तो ये देखिए आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है कि केवल 1 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन बच्चों केवल 2500 का, आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं। आपको देखिए आप बाहर पढ़ने जाते हैं तो मैथ साइंस इसकी कितनी फीस आपकी लगती है ना, कितना कॉस्टली पड़ता है, और यहाँ देखिए आप 2500 में आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं। और देखिए 6 मंथ्स का आपका सब्सक्रिप्शन आपका केवल आपका 10,000 का है, इसकी पर मंथ फीस आपकी 1,667 रुपीज है। आप इसमें सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी करेंगे। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन देखिए बच्चों, ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी फीस केवल पर मंथ की 1,250। अगर 12 मंथ का पूरे साल का आप लेते हैं तो देखिए 13,500 में आप सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे। बताइए आप पर मंथ 1 सब्जेक्ट की फीस जो कि आप देते हैं मैथ्स की 1,500 इतनी आपकी फीस पड़ती है, और यहाँ पर 13,500 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो देखिए 15,000 का पहले था, अब देखिए उस पर भी डिस्काउंट करके आपका 13,500 हो गया है। और आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपके लिए कितना बेनिफिशियल है कि आप सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी करेंगे। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए केवल 22,500 का है, आप उसके देखिए 58% ऑफ करके आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट तो बहुत ज्यादा कम है, 1,042 रुपीज है। आप सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करने के लिए क्या करिए, सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आप बहुत अच्छे से टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे, उनके एक्सपीरियंस से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, और जहाँ जब स्पेशल क्लासेस होती हैं तो क्विज होती है, क्विज में आपको अपना पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, है ना, किस टॉपिक में आपका कमांड नहीं है, किस टॉपिक को आप कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और अगर आप उस पर मेरा कोड रेफरल कोड आप पूजा 01 प्रयोग करते हैं, यूज करेंगे, तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले क्या करिए, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उस पर मेरा रेफरल कोड पूजा 01 ये यूज करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए बच्चों अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने दोपहर की क्लास में पढ़ा था संधि, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद हमने पढ़े थे, है ना। जल्दी से लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए कि हिंदी व्याकरण का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, आप बहुत कंफ्यूज होते हैं।
तो गुड इवनिंग, आप सब बहुत अच्छे बच्चों हो, बहुत अच्छे सब आप बच्चे हैं, अच्छे से आप पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो हम एक्सरसाइज बाद में कराते हैं, आप समझते हैं पूरा लेसन और उसके बाद आप उसका आंसर बहुत अच्छे से देते हैं, मोस्टली मेरे बच्चे सब अच्छा जवाब देते हैं। हेलो गुण, और कैसे हो बेटा आप? आप कैसे हो? अपने फ्रेंड्स को जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए। आज मैंने 1 बजे की क्लास में संधि पढ़ाया था, एक बार मैं आपको छोटे में रिवीजन करा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको व्यंजन संधि से स्टार्ट करती हूँ। मैंने स्वर संधि से पहले मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से, और आपने उसके जवाब भी बहुत अच्छे दिए थे, बहुत सारे आंसर मोस्टली आपने सही दिए थे। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने अटेंड की थी क्लास, बच्चे सबने अच्छे से जवाब दिया था। हम संधि आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देते हैं, जब तक आप अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी आपके साथ आ जाएं, तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। आप जब अभ्यास कार्य करेंगे, आप जब टेस्ट देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना संधि समझ में आया, आपके एग्जाम की, आपके फाइनल एग्जाम की कितनी तैयारी हो गई अच्छे से, है ना? क्योंकि ये मैंने पेपर में आपके देखा भी है कि आपके पेपर में ये 5 से 6 मार्क्स के संधि आया है क्वेश्चन, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने उस तरीके से आपको कराया है कि आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन उसमें से फंस जाए। अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, पहले हम संधि कहते किसे हैं, संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है मेल, दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संधि। जैसे आप देखिए, छात्रावास, छात्र आवास, छात्र के रहने की जगह, तो छात्र आवास, छात्र अलग है वर्ण, आवास अलग है, दोनों को हमने जोड़ दिया, क्या बना आपका? छात्रावास। ये क्या हुआ? संधि। छात्रावास क्या हुआ? हमारी संधि। आप छात्रावास को आप अगर संधि विच्छेद करते हैं, छात्र प्लस आवास, तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? छात्र प्लस आवास, उसे कहेंगे हम संधि विच्छेद। संधि विच्छेद और संधि, ये दोनों अंतर जान लीजिए, संधि और संधि विच्छेद में क्या अंतर होता है, ठीक है? जल्दी आ जाइए आप ऑनलाइन। चलिए देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। आपसे कोई भी पूछे तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि कितने भेद होते हैं स्वर संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आपको मालूम है स्वर संधि के भी भेद होते हैं, मैंने आपको स्वर संधि के भेद बताया था, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, मैंने आपको समझाया भी था अच्छे तरीके से, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, है ना? चलिए आगे देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि में मैंने आपको बताया था, यदि छोटा स्वर और स्वर के मिलने से होने वाला परिवर्तन जो होता है वह संधि, स्वर संधि कहलाता है। अर्थात छोटा और छोटा मिला आपके तो बड़ा बन गया, छोटी बड़ी मिली तो क्या मिल गया? बड़ी बन गई। छोटा बड़ा मिला तो बड़ा बन गया, और बड़ा बड़ा मिल करके क्या बन जाएगा? बड़ा। यानी स्वर और स्वर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, जो परिवर्तन होगा उसे हम कहते हैं स्वर संधि, ठीक है? दीर्घ संधि देखिए, दीर्घ संधि हुआ, जैसे दीर्घ संधि में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपका मिला, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। अगर बड़ा ऊ बड़ा ऊ है तो उसमें भी क्या मिलकर के बन जाएगा? बड़ा ऊ। तो दोनों अगर आपके स्वर मिलते हैं तो उस क्या बन जाता है? दीर्घ स्वर बन जाता है, और उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि, ठीक है? आगे देखिए, गुण संधि, गुण संधि मैंने बताया था आपको, आ या आ के बाद, छोटा और बड़ा, आ या आ के बाद ई या ई आए, उ या ऊ आए या री आए। अगर आ या आ के बाद क्या आता है? ई आता है तो ए बन जाता है, ए एनक वाला, ठीक है? और आ या ऊ के बाद, अगर आ या के बाद ऊ आता है, ये बड़ा ऊ आता है, तो क्या बन जाता है? ओ हमारा बन जाता है, क्या बनता है? ओ बन जाता है, ओ से ओखली वाला,
और आ के बाद अगर री आता है बच्चों तो वो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। मैंने इसके आपको उदाहरण भी बताए थे, गुण संधि में देखिए जैसे सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, आपने सुरेंद्र को संधि विच्छेद किया, आपने सुर प्लस इंद्र, तो सुर में क्या आया आ, इंद्र में आया छोटी आ, प्लस ई क्या हो गया ए, तो क्या बन गया हमारा सुरेंद्र। जैसे कि आपका सूर्योदय, सूर्य आ उदय क्या हुआ छोटा उ, आ और उ मिलकर के बन गया ओ, तो क्या हो गया हमारा सूर्योदय। ठीक है, आ और री देखिए, देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देव में क्या आ गया आ, प्लस ऋषि में बच्चों क्या आया री, आ के बाद री आया हमारा तो क्या बन जाएगा अर, देवर्षि। ना समझ में आया बच्चों गुण संधि? अब गुण संधि तक आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं, चलिए आगे हम बताते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, ए एनक वाला, अगर ओ या ओ आए तो अ हो जाता है, औरत वाला, अगर ए आए तो अ हो जाना वृद्धि संधि कहलाता है। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, ए कैक, तो आप क्या विच्छेद करेंगे, एक प्लस एक क्या हुआ ए कैक, एक को आपने क्या किया क छोटा आया, अब एक ए आया, एक में का और ए आपने जोड़ा तो आपका क्या आ गया ए, तो क्या आपका बना ए कैक, क्या बन गया बच्चों ए कैक। अब जैसे आप देखिए महा महेश्वर, महेश्वर में आपने विच्छेद किया महा प्लस ऐश्वर्य, महा में पीछे क्या आया आ की ध्वनि आ रही है आ, महा आ, ऐश्वर्य क्या हुआ ए, आ प्लस ए मिलकर के क्या बना ए, एनक वाला, तो क्या हो गया हमारा महेश्वर। ठीक है, क्या हो गया हमारा महेश्वर। ये क्या है हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण है बच्चों। यण संधि, यण संधि किसे कहते हैं अच्छी तरीके समझिए, ये मोस्टली आपके एग्जाम में आती है। यण संधि क्या है, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद छोटी छोटाऊ या री से ऋषि के बाद कोई भी असमान स्वर आए, मतलब ई के बाद ई ना आए, उ के बाद उ नहीं आए, री के बाद री नहीं आए, कोई भी दूसरा स्वर आए, ई के बाद छोटा आ जाए बड़ा आ जाए, कोई भी असमान स्वर मतलब दूसरा स्वर आए, तो वह क्या हो जाता है यवरा। आप वाक्य को पढ़िए, शब्द पढ़िए आप, उसके बाद अगर आपको पढ़ने में अर आ रहा है आय आ रहा है तो क्या होगा हमारा यण संधि होगा, यण संधि का उदाहरण होगा। जैसे हमारा हुआ अत्याचार, अत्याचार को आपने संधि विच्छेद किया तो क्या हो गया हमारा अति प्लस आचार, क्या हुआ हमारा अति प्लस आचार, तो अति में कौन सी ध्वनि आई छोटी ई की, अति में छोटी ई लगता है तो छोटी ई की ध्वनि आई अति, आचार ई के बाद ई नहीं आया असमान स्वर आया अर्थात अ आया है, तो ई और अ मिलकर के क्या बन गया या, तो आपने इसका उच्चारण किया अत्याचार, क्या बना हमारा अत्याचार। समझ में आया बच्चों अच्छे तरीके से। आप देखिए जैसे छोटा ऊ, मैंने अभी छोटा ऊ का भी उदाहरण दिया आपको, छोटा ऊ के बाद आपके अगर अ आए है ना, जैसे आपने किया स्वागत, स्वागत को आपने संधि विच्छेद किया वा की ध्वनि आ रही है तो आप क्या करेंगे इसका सु प्लस आगत, अब आपने सु लिखा तो सु में कौन सी बच्चों आई है ध्वनि ता में छोटे ऊ की मात्रा अर्थात ऊ है ना, वागत, वागत में वा आ की ध्वनि आई, कौन सी आई आगत में आ की ध्वनि, अब ऊ के बाद वा नहीं आया है आ आया है तो सु और आ मिलकर के क्या बन गया वा, तो क्या हो गया हमारा स्वागत। अच्छे समझ में आया। आप देखिए अयादि संधि, हमारा स्वर संधि का आखिरी भेद है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि का क्या है, उसमें क्या होता है बच्चों अच्छे से समझिए, जब ए या ए को या ओ के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई भी दूसरा ए के स्थान पर आए हो जाएगा, ए के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर अव हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे अयादि संधि। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आएगा, जैसे पावक,
पावक। आप बोलते हैं जब उच्चारण करते हैं तो आपको किस चीज की ध्वनि आ रही है? पावक, आव, आव की ध्वनि आ रही है। तो आव किसको जोड़ने पर होता है? ओ, किसको मैंने अभी बोला कि ओ के बाद क्या आया? पौ अक। ओ के बाद क्या आया? अ। ओ के बाद ओ नहीं आया है, असमान स्वर आया है अ, तो उसका क्या हो गया? आव। क्या बन गया? पावक, आव, पावक। अब देखिए एक और उदाहरण देखिए, जैसे पावन, पाव, आव की ध्वनि आ रही है ना, उसे बोलने में उच्चारण करिए पावन, आव। तो आप इसको जब आपने विच्छेद किया इसका, तो क्या हो गया? पौ प्लस अन। क्या हो गया? पौ प्लस अन। तो पौ में कौन सी आई? औ की आवाज आई। कौन सी मात्रा पीछे लगी है बच्चों? औ की, और उसमें क्या है? अन। तो औ प्लस अन क्या हुआ? औ प्लस अन क्या बना? आव। क्या बन गया? आव। ये क्या हो गया हमारा? पावन। क्या हो गया हमारा बच्चों? पावन। ये नियम आपके किसमें आते हैं? अयादि संधि में। किसमें आते हैं? अयादि संधि में। आप देखिए उसी में आगे है व्यंजन संधि, स्वर संधि के आपके पांचों भेद हो गए। अच्छे से समझ में आया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है? व्यंजन का व्यंजन से तथा व्यंजन का स्वर से होने वाले व्यंजन को, परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आया? देखिए अब उदाहरण देखिएगा। जैसे समझ लीजिए, क वर्ग का प्रथम वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। आपको मालूम है व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा। आपको मालूम है इया, टा, ठा, डाढ़ा, अणा। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे व्यंजन है। छोटे आ से क्या होता है? स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं आपके। तो क वर्ग का प्रथम वर्ण का हुआ, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हमारा क्या हुआ? का, खा, गा। अर्थात हमारा तीसरा वर्ण क्या हुआ? गा, गमला। कौन सा हमारा हुआ बच्चों वर्ण? तीसरा वर्ण हमारा क्या हुआ? गा, गमला। तो उसी में वह बदल जाता है। क वर्ग का प्रथम वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये उदाहरण देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए का हमारा किस में बदल जाएगा? गा और घा में। ठीक है, चा हमारा किस में बदल जाएगा? छा, छोड़ दीजिए, तीसरे और चौथे में, जा और झा में। ठीक है, तीसरा चौथा हमारा वर्ण कौन सा है? छा आपने हटाया, चा, छा, जा, झा, इया। पहला वर्ण, छा हमारा दूसरा वर्ण, जा हमारा तीसरा वर्ण और झा झरना हमारा चौथा वर्ण। तो चा के बाद हमारा क्या हुआ? दूसरा वर्ण हमने छोड़ा, क्या हुआ? तीसरा वर्ण हमारा क्या हुआ? जा जोकर, झा झरना वाला। ठीक है, यानी अर्थात चा के बाद हमारा जा आए या झा आए। पा के बाद इसी तरीके से पा फल नहीं, पा और भाए। ता के बाद खान नहीं आए, ता ढा। ता के बाद था थर्मस वाला नहीं आए, दा दीपक और धा धनुष वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? या रा लावा। क्या हो जाएगा हमारा? या कोई भी स्वर आए, क्या हो जाएगा हमारा? या रा लावा। अच्छे से समझ लीजिए इसमें, अर्थात हमारे इसके बाद कोई भी स्वर आए, अभी उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। का के बाद ग, चा के बाद जा, पा के बाद बा, टा के बाद दा, ता के बाद आपके कौन सा है? द। ठीक है, उदाहरण से समझिए, जगत प्लस ईश, जगत क्या आया आपका? ता। ता के बाद आपका कोई भी स्वर आए, बड़ी आया है, आपने जगदीश को पहले संधि विच्छेद किया, आपका विच्छेद कर दिया, जगत प्लस ईश। ता के बाद क्या आया? बड़ी ई आया। तो मैंने आपको क्या बताया, किसमें बच जाएगा? दा में, ता था दा। आपका तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ता के बाद आपने था जोड़ दिया, था छोड़ा आपने, द दीपक, अर्थात वह द में बदल गया आपका, और बड़ी ई लगाए, बड़ी दा के बाद बड़ी ई, तो क्या हो गया? दी, जगदीश। अब देखिए जैसे नेक्स्ट है दिगंबर, आपने इसको विच्छेद किया, दिक प्लस अंबर, क्या होगा बेटा? आचार नहीं है, उसकी जगह है दिगंबर। क्या हो जाएगा? अंबर। तो आपने दिक प्लस अंबर, क के बाद कोई भी असमान स्वर क्या आया? आया। तो क के बाद क्या आएगा? खा आपने हटाया, खा छोड़ दिया, दूसरा वर्ण आपने, ग गमला, क्या हो गया आपका? तीसरा वर्ण बन जाता है ना, क्या बन गया? ग, दिगंबर। क्या हो गया? दिगंबर। इसी तरीके से सदाचार, सदाचार,
ये बना हुआ है तो ये किसमें बनेगा, सत प्लस आचार किसमें बनेगा बच्चों, सत प्लस आचार। ता हमारा वर्ण, ता के आपने बांध, दूसरा वर्ण था थर्मस वाला छोड़ दिया आपने, क्या बना दा। आचार का आ लिया, सत का ता लिया, क्या हमारा बना दा, तो ये क्या बन गया हमारा सदाचार, क्या बना हमारा सदाचार। अब जैसे षडानन, चडा, ड हमारा किसमें बनता है, जब डा के बाद कोई भी स्वर है तो ड आ, क्या बन जाता है इसमें षडानन। अच्छे से समझ लीजिए बेटा कि हमारा कोई कुछ भी आए तो उसमें तीसरा वर्ण बन जाता है, का के बाद का, ता के बाद था छोड़ो दा, ता था दा, चा के बाद छा छोड़ो जा, इस तरीके से आपका बने का गा, चा का जा, टा का डा, ता का दा, और पा का क्या बन जाता है बा बन जाता है, क्या बन जाता है पा का पा बन जाता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बच्चों, दूसरा वर्ण आप छोड़ेंगे और तीसरा वर्ण वो बन जाएगा, वह हमारा किसमें आएगा व्यंजन संधि के क वर्ग में, क वर्ग का उदाहरण है, वर्ग का उदाहरण है। आगे देखिए, वर्ग का पहला वर्ण पांचवें में बदल जाता है। आपको सबसे पहले अगर आपको व्यंजन याद होगा तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे का खा गा घा अंगा लिखते हैं ठीक है, उसी तरीके से वर्ग का पहला वर्ण किसमें बदल जाता है पांचवें वर्ण में। अब का खा अगर कवर गाएगा तो पांचवा वर्ण इसका क्या होगा, का खा गा घा अंगा, हमारा आखिरी वर्ण क्या हुआ हमारा अंगा, अंगा में बदलेगा। चावर चवर्ग का क्या होगा, चा छा जा झा इया, हमारा पांचवा वर्ण कौन सा हुआ इया खाली वाला। टा कौन सा हुआ हमारा, टा के बाद टा ठा डा ढा अणा, हमारा पांचवा वर्ण इसमें क्या हुआ अणा। तवर्ग में, तवर्ग में क्या हुआ हमारा पांचवा वर्ण ना। पा में हमारा कौन सा वर्ण हुआ हमारा माँ, क्या हुआ हमारा माँ में बदल जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा ठीक है। जैसे जगन्नाथ, जगन्नाथ देखिए, जगत नाथ, ता आपने देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ता आया है उसपे, उसमें आपने ना, ना इसका पांचवा वर्ण कौन सा है ना, जगन, ता के बाद अगर ना आता है आप क्या क्या बन गया जगन्नाथ, आधा ना पूरा ना में बदल गया, वो क्या हो गया हमारा वाक्य जगन्नाथ, क्या हो गया हमारा बच्चों जगन्नाथ। आप देखिए उन्नति क्या है बच्चों, उन्नति, नति में क्या हुआ आपने इसका संधि विच्छेद किया, पहले विच्छेद करने का तरीका देखिए, उन्नति आपके उच्चारण में क्या आता है उन न, उन आधा ना पूरा ना, तो आपका ये किस में आता है, आपका किस वाले संधि में आता है व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में देखिए त, उन्नति, तवर्ग में त के बाद अगर पांचवा वर्ण आता है आपका ना आता है, ता के बाद क्या आया है ना आया है, तो आप उसमें किस में बदल देंगे आधा ना पूरा ना में, क्या हो जाएगा हमारा उन्नति। अब देखिए इसी तरीके से सत्मार्ग, सन्मार्ग आपने विच्छेद किया, सत प्लस मार्ग क्या हो गया सत प्लस मार्ग, तो आप अच्छे से समझ लीजिए त, त का पांचवा वर्ग हमारा क्या हुआ म, क्या हुआ म, ता के बाद मा आया तो हमारा किस में चेंज बदल गया ना में, तो ये हमारा क्या हो गया सन मार्ग, क्या हो गया हमारा सन मार्ग। अच्छे से बच्चों समझ लीजिए किस में क्या है, चलिए आगे देखिए, यदि किसी वर्ग के अंत में, ये हम व्यंजन संधि कर रहे हैं, व्यंजन संधि बच्चों आपके एग्जाम में भी आती है, अच्छे से समझ लीजिए, यदि किसी वर्ग के अंतर्गत ता या दा के पश्चात ला शब्द आए तो वह क्या हो जाता है ला हो जाता है। आपको जैसे दिया जाता है तत् प्लस लीन, अब इसको बनाइए संधि करिए और बताइए कौन सी संधि है, तो ता है, ता के बाद हमने बोला कि अगर ला शब्द आए तो वो ला में चेंज हो जाता है, आधा ला और पूरा ला में, तो हमारा ये क्या हो गया तल्लीन। ता आया ता के बाद द आया है ना, ता या दा के बाद अगर ला आएगा तो हमारा हो जाएगा तल्लीन, आधा ला और पूरा ला, तो ये हमारा किस में आएगा व्यंजन संधि में, ये सब उदाहरण किसके हैं हमारे व्यंजन संधि के। उत्लास, तवर्ग आया है त,
ता के बाद क्या है हमारे ला, अगर ता और ला आएगा तो हमारा जुड़ करके क्या हो जाएगा, दा ला में चेंज हो जाएगा, तो हमारा ता और ला मिलकर के हो गया उल्लास, आधा ला और पूरा ला, आधा ला पूरा ला आएगा तो आपका कौन सा उदाहरण होगा इसका, व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, अच्छे से समझ लीजिए ये। अब देखिए आखिरी ये हमारा कि किसी भी वर्ग में माँ के पश्चात का से लेकर माँ तक आने वाले किसी भी व्यंजन में तो माँ के स्थान पर अगले व्यंजन का पांचवा वर्ण हो जाता है। देखिए किसी भी वर्ग में माँ के पश्चात का से माँ तक कोई भी व्यंजन आए, माँ के बाद का खा गा गा अंगा चाचा जाजा इया टाठा डाडा अणा ताथा दाधा ना पाफा बाभा माँ, कोई भी व्यंजन आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाता है। का खा गा गा अंगा यानी कि अंगा चाचा जाजा इया। अब ये देखिए उदाहरण से समझिए, जैसे सम्मति, सम्मति देखिए माँ आया है, आपको हमने उदाहरण दिया जैसे सम प्लस गति, तो आप बताइए संगति में कौन सा होगा, तो आपने मा लिया उसका, उसका गा लिया, आपने देखा माँ के बाद कौन सा आया है व्यंजन, हमने कहा कोई भी आए तो आपका क्या हो जाएगा, उसका पांचवा वर्ण, तो पांचवे में क्या हो जाएगा, का खा गा घा अंगा, तो क्या हो गया हमारा पांचवा वर्ण संगति, क्या हो गया हमारा संगति, बच्चों पांचवा वर्ण हमारा क्या हुआ संगति, अंगा खाली वाला। अब देखिए सम प्लस चय आया, तो आपसे बोला हमने कि कौन सी संधि है और इसको संधि करिए, ये संधि विच्छेद है, आप इसको संधि करिए और आप बताइए हमें कौन सी संधि है ये, तो आपने सम का मा लिया चा लिया, अब चा है चा का पांचवा वर्ण माँ के बाद आपको मालूम है कि कौन सा वर्ण पांचवा वर्ण आए, माँ के बाद कोई भी आपके पास व्यंजन आए तो चा है, चा वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, चा छा जा था इया, तो क्या हो गया हमारा इया, तो ये हमारा क्या बन गया संचय, क्या बन गया हमारा संचय। हेलो टीचा, है ना क्या बन गया ये हमारा संचय। आगे देखिए संतोष, आपने मा लिया बच्चों, आपने मा लिया, मा के बाद आपके ता आया, ता का तवर्ग का पांचवा वर्ग कौन सा होता है, ता हा दा धा ना, पांचवा वर्ग हमारा कौन सा हुआ ना, अर्थात हमारे माँ के बाद क्या आया था, तवर्ग का हमने पांचवा वर्ग लिया हमने ना आया, तो क्या हो गया हमारा संतोष, आधा ना में चेंज हो गया ये, ठीक है अच्छे समझ में आया, उसी वर्ग का आपका पांचवा वर्ण हो जाता है आपका संतोष, अच्छे से तैयार करिए संतोष। आगे देखिए विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ये अच्छे से समझ में आया, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के उदाहरण समझ में आया आपको। अब क्या है आगे हमारा, ये आगे देखते हैं हम विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में बच्चों क्या होता है, विसर्ग का मेल यदि किसी स्वर या व्यंजन से हो तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। हेलो बच्चों आगे देखिए विसर्ग का मेल यदि किसी स्वर, विसर्ग आते हैं आपके किसी भी स्वर के बाद, देखिए विसर्ग अर्थात दो बिंदी जो लगी होती है उसे हम विसर्ग कहते हैं ना, विसर्ग के बाद किसी स्वर, कोई भी स्वर आए या कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि। उदाहरण देखते हैं इसका हम, नी आशा हमारा क्या है, नी विसर्ग लगी है बेटा, अभी मेंटी भी है आपकी, अभी कराएंगे एक्सरसाइजेस, पहले ये समझ लीजिए विसर्ग संधि, संधि आपके एग्जाम में आती है। हेलो अर्णव और कैसे हो बेटा, नी आशा, नी का विसर्ग लिया आशा, तो ये क्या बन गया हमारा निराशा, नमः ते, नमः विसर्ग लगा हुआ है आपका, नमः में क्या लगा है हमारा विसर्ग लगा हुआ है, तो आपका ये क्या हुआ नमः ते, तो ये हमारा क्या हो गया विसर्ग। हेलो बच्चों जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, और ठीक हो बच्चों आप।
शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी क्लास में आ जाए, अच्छे से उनको समझ में आ जाए। आपके फाइनल एग्जाम में आपको मालूम है कि आता है संधि। देखिए ता के बाद क्या आया है, ये देखिए, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग का यदि ता या सा से मेल होता है तो क्या हो जाता है, स हो जाता है। विसर्ग के बाद क्या आया, नमः ते, क्या आया, ते। अगर ता आएगा तो या सा आएगा तो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, स हो जाता है। नमस्ते, क्या हुआ हमारा, नमस्ते। और यदि बच्चों हमारा विसर्ग से पहले यदि छोटी ई आए या उ आता है तो विसर्ग का मेल का क्या हो जाता है, का कमल, का खरगोश वाला ट, था, पा, फा से हो तो विसर्ग की जगह हमारा क्या हो जाता है, शा षटकोण वाला, क्या हो जाता है हमारा, शा षटकोण में बदल जाता है। ये देखिए आगे देखिए, विसर्ग के पहले देखिए आ आता है और विसर्ग के बाद अगर गा घा अंगा आता है, विसर्ग के पहले आ आएगा, विसर्ग के पहले आ आएगा और विसर्ग के बाद बच्चों क्या आएगा, जा झा इया। विसर्ग के पहले आ ही आता है, डा ढा अणाए, दा धा नाए, बा भा माए। हम ठीक है बच्चों, आप कैसे हो, बा भा माए या रा ला वा हाय, है ना। तो ये देखिए क्या हो जाता है, ओ बन जाता है, क्या हमारा, ओ बन जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए जैसे तपह, पह विसर्ग लगाए पा के बाद और उसमें क्या है, वा। अगर त के बाद, विसर्ग के बाद आपकी वा आया है तो आपका ये क्या हो गया, ओ में बदल गया, तपोवन। अगर विसर्ग के बाद देखिए बा आया है, क्या बन गया आपका, ओ बन गया, मनोबल। विसर्ग है तेजह, तेजा में क्या विसर्ग लगाए है, उसके बाद क्या आया, मैं, क्या हो गया, ओ में बदल गया ये, तेजो मैं। अगर विसर्ग के बाद ये आता है आपके पा, पा, बा, मा, तो आपका क्या हो गया, आपका ओ में बदल जाता है ये। अच्छे तरीके से समझ लीजिए ये। और यदि विसर्ग के बाद ता सा आए तो विसर्ग का सा बन जाता है। अभी मैंने नमा और ते, विसर्ग देखिए नमा के बाद क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है और देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ते। और मैंने क्या बात बोली आपको, विसर्ग के बाद अगर आपके ता आता है तो वह किसमें बदल जाता है, सा में। तो आपका यहाँ किसमें बदल गया, नमस्ते, आदत सा में, नमस्ते। तू आया आपका, विसर्ग लगा हुआ है और देखिए साहस, सा आया है तो आपने उसमें किसमें बदल दिया, दुस्साहस, सा में बदल गया। अर्थात आप विसर्ग के बाद याद कर लीजिए, वा ब मा ओ में बदल गया आपके, और ते और सा आया तो आपका ता सा आया तो आपने सा में बदल दिया। ये विसर्ग का अच्छे से देख लीजिए। देखिए आगे देखिए, यदि व्यंजन एवं स्वर शब्दों के अंतर्गत आ हो, यदि व्यंजन एवं स्वर शब्दों के अंतर्गत आ हो और विसर्ग के पश्चात का आए और पाए तो विसर्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अगर देखिए आपने प्रातः काल आपको दिया और प्रातः काल को बोला कि आप संधि करिए इसको और बताइए कौन सी संधि है, तो आप क्या करेंगे, प्रातः काल विसर्ग के बाद का आया है और पा आया है ना, अंतापुर पा आया है विसर्ग के बाद, अंतःकरण का आया है, तो आप उसको ऐसे ही लिख देंगे, आप प्रातः काल, अंतःकरण, अंतःपुर, बस इतना आपको ध्यान देना है कि विसर्ग के बाद क्या आया है, उसी तरीके से आप बदलेंगे। आह विसर्ग के बाद का, प्रातः काल, विसर्ग के बाद का आया, आपने वही पूरा लिख दिया, विसर्ग के बाद पा आया तो आपने पूरा वही लिख दिया, अंतःपुर। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया। आपको विसर्ग संधि समझ में आई सही से, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये देखिए विसर्ग संधि का आखिरी का देखिए, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई आए या उ आए और विसर्ग के पश्चात का, खा, टा, ठा और पा, फा आता है तो क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। आपने निष्कपट, हमने दिया आपको नी कपट, नी में क्या लिखा है, विसर्ग लगा हुआ है
और उसके बाद क्या आया, का। तो अगर कवर का आता है तो क्या हो जाता है, शा में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, निश कपट। अब दू विसर्ग लगा है, आपका क्या आया है, दू कर्म क। तो आप क्या करेंगे, दू कर्म विसर्ग के बाद अगर का आता है तो आप क्या करते हैं, शा में बदल देते हैं, दुष कर्म, है ना, सिंपल सा। अगर आपके विसर्ग के बाद पा आया है तो आप क्या बदलेंगे, शा में बदल देंगे। मैंने आपको बताया का खा टा ठा पा फा ये आते हैं आपके, तो आप किस में बदल देते हैं, शा में बदल देते हैं। ये क्या हो गया हमारा, निष पाप। पाया है हमारा किस में बदल गया, निष्पाप, ठीक है, पा को हमने शा में बदल दिया। अर्थात आप विसर्ग संधि के उदाहरण से आपको समझ में आया। चलिए आप अब आप इसमें बताइए कि कौन सी संधि है, जल्दी बताइए, सदगति शब्द में कौन सी संधि है, सदगति शब्द में कौन सी संधि है बच्चों, गुण संधि की व्यंजन संधि है। मैंने आपको अभी इसके सारे उदाहरण भी दिए, सदगति में कौन सी संधि है, सदगति में जल्दी बताइए, सदगति, सदगति को आप अलग करेंगे कौन सी संधि आएगी, सदगति में बच्चों कौन सी संधि है, गुण संधि है या व्यंजन संधि है। हेलो प्राची, और कैसे हो बेटा, जल्दी बताइए, सदगति शब्द में कौन सी संधि है बच्चों, गुण संधि है कि व्यंजन संधि है। मैंने आपको व्यंजन संधि भी बताई, ठीक बताइए वह नाम बताएं कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है बच्चों, कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, सदगति, सदगति को आप अलग करेंगे क्या हो जाएगा, सद प्लस गति, क्या हमारी हुई व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मैंने आपको बताया के नियम बताए हमने, कवर्ग के अलग नियम होते हैं, कवर्ग के अलग होते हैं, सदगति है ना, ग। अभी मैंने आपको व्यंजन संधि के एग्जाम्पल बताए सर, अच्छे समझ में आया। आप बताइए जैसे पावक, पावक, पावक में कौन सी संधि है, अयादि संधि है बच्चों की यण संधि है, पावक अयादि संधि है बच्चों, पावक में अयादि संधि है यण संधि है, ठीक है, पावक को आप संधि विच्छेद करिए तो आपको पता चल जाएगा कौन सी संधि है, पाव में आव की ध्वनि आ रही है ना, कौन सी संधि आपकी, अयादि संधि है बच्चों, पावक आप इसको संधि विच्छेद करिए तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प प्लस अक, है ना, प प्लस अक, तो प में कौन सी ध्वनि आ रही है, ओ की बाद आपके कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो क्या बन जाता है, आव, ये आपका किस में आता है, अयादि संधि में आ जाता है, अव और आव की अगर ध्वनि आती है तो आपका किस में आ जाता है, आए, आव, अव, ये किस में आता है हमारे, अयादि संधि में आ जाता है। तो पावक हमारा क्या हुआ, पावक, आव की ध्वनि आई तो ये क्या हुआ हमारा, पावक अयादि संधि बच्चों हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकैक, एकैक का संधि विच्छेद करिए तो बताइए उसके बाद वृद्धि संधि है हमारा कि गुण संधि है, एकैक, एकैक में कौन सी संधि है, एक एक का संधि विच्छेद करिए बच्चों, उसके बाद बताइए हमें कौन सी संधि है एक एक में, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे आ जाएं क्लास में और हमारे प्रश्नों का वो सही से जवाब दें। देखें कितने बच्चों को संधि समझ में आया, वृद्धि संधि, एक एक का आपने बच्चों संधि विच्छेद किया
आपने का संधि विच्छेद क्या हुआ, एक प्लस एक, क्या हुआ उसका, एक प्लस एक, तो एक क आ की ध्वनि आई, आ के बाद हमारा क्या हुआ, ए आया। अगर आ या आ के बाद ए या ए आता है तो क्या हो जाता है, ए में बदल जाता है, ऐनक में, है ना, तो क्या हो जाता है, ये हमारी कौन सी संधि होती है इसमें, वृद्धि संधि, है ना। आपको मैंने बताया आ आ के बाद ए ए हो तो ए में बदल जाएगा, ओ हो तो ओ में बदल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ए कैक, ए में बदल गया ना, ऐनक वाले में, तो ये हमारा किसमें आया, वृद्धि संधि में, किसमें, अच्छी तरीके से बच्चों समझ लीजिए, वृद्धि संधि। आगे देखिए निश्चय, निश्चय का संधि विच्छेद करिए और बताइए कौन सी संधि, अयादि संधि की विसर्ग संधि, कौन सी संधि है हमारी, निश्चय, निश्चय हमारी कौन सी संधि है, निश्चय का संधि विच्छेद करिए बच्चों, अयादि संधि है कि विसर्ग संधि है, जल्दी बताइए, निश्चय को कहा हमने संधि विच्छेद किया तो हमारा क्या हो गया, नी प्लस चय, क्या हुआ हमारा, नी प्लस चय, तो नी में हमारा क्या लगा, विसर्ग लगा, विसर्ग के बाद हमारा क्या लगाया, च, है ना, विसर्ग के बाद अगर चा या छा आता है तो हमारा क्या हो जाता है, शा में बदल जाता है, विसर्ग के बाद, मैंने भी आपको समझाया, विसर्ग के बाद अगर चा या छा आता है तो हमारा छा छत्री में बदल जाता है, तो शा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, निश्चय। आपने नी अलग किया और चय अलग किया, क्या आया, च, हमारा किस में बदल गया, शा में, अगर छा छत्री भी आता है तो उसके बाद ये वो किस में बदल जाएगा हमारा, शा में, निश्चय। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, विसर्ग संधि, कौन सी हमारी संधि हुई, विसर्ग संधि। आगे देखिए इत्यादि, इत्यादि में बच्चों कौन सी संधि है, इत्यादि को अलग करिए, पहले इसका विच्छेद करिए, इत्यादि, इत्यादि का विच्छेद करिए, कौन सी संधि है, इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद करते हैं हम, क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि, इति का क्या हो गया, इति, इति में कौन सी ध्वनि आई, ई की, इति, ई की ध्वनि आई, आदि में क्या आया, आ, और ई के बाद, छोटी ई के बाद अगर आपका कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है हमारा, यावारा, तो यह किसमें होता है हमारा, किसमें आता है ये हमारा, किसमें आता है बच्चों, यण संधि में, किसमें होता है ये हमारा, यण संधि में, इसी तरीके से याद है, छोटी ई के बाद अगर हमारा छोटी ई बड़ी ई के बाद यू आए तो हमारा क्या हो जाता है हमारा, या आया ना, कोई भी भिन्न स्वर आता है हमारा, अर्थात छोटी के बाद आ आए, छोटा उ आए, छोटी ही नहीं आए, छोटा उ आए, छोटा आए, तो आपका क्या हो जाएगा, या में, तो इसका क्या हुआ हमारा, इत्यादि, तो ये हमारा क्या हुआ, यण संधि, क्या हुआ बच्चों हमारी, यण संधि। अब जैसे कवींद्र, कवींद्र, कवींद्र में बच्चों कौन सी संधि है हमारी, दीर्घ संधि या गुण संधि है, कौन सी संधि है, कौन सी संधि है बच्चों, कवींद्र में दीर्घ संधि है या गुण संधि है, कवींद्र का आपने संधि विच्छेद किया, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र में कौन सी हो गई संधि हमारी, कवि का आपने संधि विच्छेद किया, कवि क्या आया, छोटी ई, इंद्र में क्या हुआ, इंद्र बड़ी, क्या हुआ, छोटी और छोटी मिलकर क्या बन जाते हैं हमारे, बड़ी ई, क्या बन गया हमारा, बड़ी, तो क्या हो गया हमारा, कवींद्र, कवींद्र हमारा छोटी छोटी मिलकर के क्या बनता है, बड़ी, किसमें आता है हमारा, दीर्घ संधि में बच्चों, है ना, किसमें आता है, छोटी छोटी मिलकर के बड़ी में बदल जाता है, ये हमारा किसमें आता है, दीर्घ संधि, ये क्या हुआ हमारा, दीर्घ, गुण संधि नहीं है बच्चों। आगे देखिए परमेश्वर, परमेश्वर में बेटा कौन सी संधि है, दीर्घ संधि या गुण संधि, परमेश्वर का संधि विच्छेद करिए से आपको पता चलेगा कौन सी संधि है, परमेश्वर परमेश्वर
परमेश्वर को आप संधि विच्छेद करिए, परम प्लस ईश्वर, परम में कौन सी ध्वनि आई आपकी, परम, म अ की ध्वनि आई, ईश्वर, ईश्वर में कौन सी ध्वनि आई, ई, छोटी ई, तो आ और ई मिलकर क्या बन जाते हैं, ए, आ और ई मिलकर के हमारे क्या बनते हैं, ए, ये हमारे किसमें बनते हैं, आपको मैंने अभी लिखवाया भी था इससे पहले, मैं आपको 1 बजे की क्लास में हमने आपको बताया था, ये किसमें होता है हमारे गुण संधि में, किसमें होता है बच्चों, गुण संधि में, तो ये हमारा क्या हुआ, परमेश्वर हमारा किसमें आया, गुण संधि। हमने सारे एग्जाम्पल बेटा जो लिए हैं, जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, इसका संधि विच्छेद भी करने के लिए आता है आपको, और संधि के उदाहरण भी आते हैं आपको कि कौन सी संधि है, इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। स्वागत, स्वागत, वृद्धि संधि या यण संधि, जल्दी बताइए, स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है कि यण संधि है, स्वागत में, स्वागत का आपने संधि विच्छेद किया तो क्या हो गया हमारा, सु प्लस आगत, आपने सु लिखा तो सु में कौन सी ध्वनि आई, उ की ध्वनि आई, कौन सी आई, उ की, और आगत आपने लिखा तो आगत में कौन सी ध्वनि आई, आ की, तो उ के बाद अगर कोई भी स्वा स्वा आ आव की आवाज आ रही है ना, स्वा, ये किसमें आता है आपको मैंने बताया यण संधि में, यण संधि के उदाहरण ये, तो आपको क्या, उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी अलग स्वर आए और समान स्वर आए तो क्या बदल जाता है, व में बदल जाता है, तो ये क्या हुआ हमारा स्वागत, ये हमारा किसमें आया, यण संधि में, इसका उदाहरण है बच्चों, ये हमारा यण संधि का उदाहरण है। आगे देखिए उच्चारण, उच्चारण में व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, उच्चारण, उच्चारण, इसका आप संधि विच्छेद बच्चों करिए तो उच्चारण का क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण, क्या हो गया आपका, इसका उत प्लस चारण, उत का आपने क्या लिया, त लिया, त के बाद अगर च आता है तो उसका क्या हो जाता है, च में बदल जाता है, आधा च और पूरा च में, तो यह किसमें होता है, किसका उदाहरण है ये हमारे व्यंजन संधि का बच्चे उदाहरण है, किसमें हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ये हमारा क्या हुआ, उच्चारण हमारा किसमें आया, व्यंजन संधि में, उच्चारण आपने इसका विच्छेद किया त प्लस च, और त के बाद अगर च आता है तो हमारा क्या हो गया, च, उच्चारण। अब देखिए निर्माण, ये हमारा इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है कि विसर्ग संधि है, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए कौन सी संधि है, यण संधि है, यण संधि है कि विसर्ग संधि है, बच्चों निर्मल नहीं है, लिखा है निर्मल, निर्मल, निर्मल बच्चों कौन सी संधि है, इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, नी प्लस मर, क्या हो जाएगा, नी प्लस मल, तो क्या हो जाएगा हमारा, नी के बाद क्या आया हमारा, विसर्ग लगा हमारे, और उसके बाद क्या आया हमारा, माँ, तो हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, वो रा में, किसमें बदल जाता है हमारा, अगर विसर्ग के बाद अगर माँ आता है तो मैंने आपको बताया किसमें हो जाएगा, अर निर्मल, अर निर्मल, ठीक है, अभी मैंने आपको विसर्ग संधि समझाई। आगे देखिए महोत्सव, महोत्सव को आप पहले संधि विच्छेद करिए उसके बाद बताइए हमें गुण संधि है कि विसर्ग संधि, वृद्धि संधि है, जल्दी बताइए, महोत्सव, महोत्सव गुण संधि है कि वृद्धि संधि है हमारी, महोत्सव को आप अलग करिए, पहले विच्छेद करिए महोत्सव, महोत्सव का क्या हो जाएगा बच्चों, महा प्लस उत्सव, क्या हो जाएगा हमारा, महा प्लस उत्सव, महा का आपने क्या लिया, आ के बाद उत्सव में क्या आया, उ, आ के बाद क्या अगर आएगा,
हु आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ओ, तो किसमें बदल गया आपका, महोत्सव, ओ में। आ के बाद अगर उ आता है तो आपका किसमें बदल जाता है, ओ में। आपका यहाँ पर क्या हो गया, महोत्सव। ये हमारी किस संधि में आया, गुण संधि। महोत्सव में हमारी कौन सी संधि आई बच्चों, गुण संधि। आगे देखिए, हिमालय। हिमालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि या गुण संधि। हिमालय को का आप संधि विच्छेद करिए, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि या गुण संधि, जल्दी बताइए। हिमालय, हिमालय का आपने विच्छेद किया तो उसका क्या हो गया, हिम प्लस आलय। कौन सा हो गया, हिम प्लस आलय। हिम में आपने लिया, माँ के बाद आपके क्या आया, म, आ की ध्वनि आई, के बाद आपके क्या आया, आ। छोटा आ और आ मिलकर के क्या बन जाता है, छोटा और आ मिलकर के क्या बन जाता है हमारा, आ बड़ा। तो हमारा क्या बन गया, ये हिमालय। और आ मिलकर के किस वाली संधि में बनता है हमारे, दीर्घ संधि में। किस में बनता है बच्चों हमारे, दीर्घ संधि में। तो ये क्या हो गया हमारा, हिमालय, दीर्घ संधि। अब ये देखिए, भानुदय। भानुदय गुण संधि है कि दीर्घ संधि है, जल्दी बताइए बच्चों। भानुदय दीर्घ संधि है कि गुण संधि है। भानुदय को आपने विच्छेद किया तो आपका क्या हो गया, भानु प्लस उदय। क्या हो गया, भानु प्लस उदय। तो भानु का आपने छोटा उ लिया प्लस उदय, क्या हुआ, छोटा उ और छोटा उ मिलकर के क्या बन गया, बड़ा उ। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, भानुदय। ये हमारा किसमें बनता है, दीर्घ संधि में। किसमें, छोटा उ छोटा उ मिलकर के बड़ा उ किसमें बनता है हमारे, दीर्घ संधि में। तो ये क्या हो गया हमारा, दीर्घ संधि। अब बताइए, सूर्योदय। सूर्योदय हमारा किसमें है, वृद्धि संधि की गुण संधि में, जल्दी बताइए बच्चों। सूर्योदय, सूर्योदय का आपने संधि विच्छेद किया, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय है ना। सूर्य में क्या हो गया, आया, उदय में क्या आया, छोटा हुआ हो गया। तो क्या आ गया आपने, सूर्य अ प्लस उ मिलकर के क्या बन जाता है, ओ। सूर्योदय, ओ बना। तो ये हमारा किसमें आता है, ओ किसमें बनता है हमारा, आ प्लस उ किसमें बनता है हमारे। नियम आपको अच्छी तरीके से याद होंगे, किसमें आता है, गुण संधि में। किसमें आता है बच्चों हमारा, गुण संधि का उदाहरण है ये। अब देखिए, नायिका। नायिका, नायिका बताइए, यण संधि है कि अयादि संधि है, नायिका, जल्दी बताइए। यण संधि है कि अयादि संधि है हमारी, ना को आपने, नायिका को आपने संधि विच्छेद किया तो उसका संधि विच्छेद बच्चों क्या हो गया, ने प्लस इका। क्या हो गया, ने प्लस इका। ने में कौन सी ध्वनि आई है, ए वाली, ए एनक वाली आई है ना, ए एनक वाली। और इका में छोटी, तो मैंने आपको क्या, नायिका। आई आपको किसमें आ जाएगा, ये आए, आए ये किसमें आएगा आपका, अयादि संधि। अयादि संधि मैंने आपको बताया भी, क्या आएगा आपका, अव, आव, आए, ये सब किसमें आएगा आपका, अयादि संधि में आएगा। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, नाई, आई, अव, आव, ये किस में आएगा आपका, अयादि संधि में। तो ये हमारा कौन सी हुई संधि, अयादि संधि। अच्छे से समझ में आया आपको, अब यहाँ तक संधि में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, आपके एग्जाम में आएगा तो अच्छे तरीके से आप करिएगा। आपको इसमें नियम भी लिखे हुए हैं, अच्छे तरीके से आप देखिएगा। जो एग्जाम्पल है इसके, जो मैंने उदाहरण अभ्यास कार्य कराए हैं, ये आपके अधिकतर आपके एग्जाम में आते हैं, ये वाले उदाहरण अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए आप क्या करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके स्पेशल क्लास की मेरी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और मेरी क्लास अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स को, ट्यूशन फ्रेंड्स को लिंक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपकी दोपहर में जब क्लास होती है 1 से 2 होती है, और शाम की मेरी क्लास 5 से 6 होती है, तो आप बिल्कुल अटेंड करिएगा, आपकी हिंदी व्याकरण की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, इसमें आप पूरे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।